हेलो हेलो बेटा जी। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। सो देखो बेटा, टेस्ट करते हैं ना सेंट तुझे सबने। तो देखो बेटा, लास्ट टाइम अपन डिस्कस कर रहे थे अबाउट वीटी ग्राफ, कैलकुलस मेथड, तो उना दे बारे सारी डिस्कशन अपन की थी। हूँ बेटा दो तीन पॉइंट्स होर जो तुसी रिगार्डिंग दिस टॉपिक समझने हैं ना, फिर उस तो बाद अपन इन्हां दीयां प्रॉब्लम्स नू भी डील करना वा। तो देखो एक बेटा, तुसी ये ता लर्न कर ही लिया वा, समझ भी चुके हैं कि डिफरेंट मोशंस दे लई जो एक्स टी ग्राफ्स है या वी टी ग्राफ्स है ना, तो डिफरेंट मोशंस दे लई उना दी जो शेप है वो डिफरेंट है। अलग अलग तरह के ग्राफ्स है, डिपेंड करता किस तरह का मोशन। बट हुण जिहड़ी मैं गल तुहानूं इन जनरल दसण लगा ना, इन जनरल आपां जनरल गल करन लगे हां बेटा, कि अगर तुहाडे सामने मतलब ये रिजल्ट्स जिहड़े आ तुसीं भी, अगर तुहाडे सामने बेटा एक एक्स टी ग्राफ शोन है, दिता होया थानू है ना ग्राफ। हुण जिहड़ा एक्स टी ग्राफ है उहदी शेप अलग अलग तरह के मोशन दे लई डिफरेंट है, ये सानू पता वा। बट मान लो आपां एक जनरल जी मैं गल दसन लगा, किसे तुहाडे सामने जो एक्स टी ग्राफ है ना, उहदी शेप उत्तर इदां दित्ती हुई है थानू, से जनरल शेप है। हुण थानू उह कहिंदा कि तुसी ऐदा कर लो है ना, कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं अपन। हुण मान लो थानू कहिंदा भी ये जिहड़ा एक्स टी ग्राफ है ना, इस ग्राफ दे कोरेस्पोंडिंग मतलब इस ग्राफ दी हेल्प दे नाल असी की फाइंड आउट करनी है एवरेज वेलोसिटी। हुण एक गल बड़ी क्लियर है बेटा, जदों तुसी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तां उहदे लई तुहानू टाइम इंटरवल पता होना चाहिए कि किस टाइम इंटरवल दे दौरान असी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो मान लो तुहानू उहने एक्स टी ग्राफ तुहाडे सामने है, डायग्राम बनी आ गई है एग्जाम दे विच, और वो तुहानू कहिंदा कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T1 to T2। तो तुसी पता की करना, इस ग्राफ दे ऊपर आ जिहड़ी टाइम एक्सिस है बेटा, इस टाइम एक्सिस तो तुसी पहला तो इनिशियल टाइम नू लोकेट करना है ना। तो मान लो आ थोड़े सामने है इनिशियल टाइम से, तो तुसी इस इनिशियल टाइम दे कोरेस्पोंडिंग ना ग्राफ दे ऊपर पॉइंट ए मार्क कर लेना, फिर तुसी फाइनल टाइम लोकेट कर लेना। ठीक है, तो मान लो फाइनल टाइम आ है T2, तो उहदे कोरेस्पोंडिंग तुसी ग्राफ दे ऊपर पॉइंट बी लोकेट कर देना। हुण तुसी की करना, सिंपली बेटा ग्राफ दी हेल्प दे नाल तुसी ए जो ए और बी पॉइंट्स ग्राफ दे ऊपर कोरेस्पोंडिंग टू इनिशियल एंड फाइनल टाइम्स तुसी सिलेक्ट कीते है, इना दोनों पॉइंट्स नू ना स्ट्रेट लाइन दे नाल जोड़ देना, स्ट्रेट लाइन दे नाल जोड़ देना। हुण आ जिहड़ी तुहाडे सामने ब्लू कलर दी स्ट्रेट लाइन है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स नू जोड़ रही,
तो इस लाइन दी अगर तुसी स्लोप फाइंड आउट करोगे तो आ जड़ी ब्लू कलर दी एबी लाइन थानू नजर आ रही है स्ट्रेट लाइन बेटा, इस स्ट्रेट लाइन दी स्लोप की आएगी, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनिशियल एंड फाइनल टाइम्स। पॉइंट्स ऑन द ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनिशियल एंड फाइनल। तो हुण ये जिहड़ी स्ट्रेट लाइन है तुसीं चेक कर सकते हो बेटा, देखो हुण आ जिहड़ी ब्लू कलर की स्ट्रेट लाइन है यदि स्लोप थोड़े सामने आ रही है टेन थीटा, और टेन थीटा आ रहा है बीसी ओवर एसी है ना, और बीसी की वैल्यू थोड़े सामने आ रही है एक्स टू सी है ना, आ रही है एक्स वन मतलब ये पूरी डिस्कशन का ओवरऑल जो रिजल्ट थोड़े सामने निकल के आया बेटा वो की है कि वो। हाँ जी हाँ जी हाँ कर ले तो थोड़े सामने बेटा जेड़ा एक्स की ग्राफ है ना, आज तो बाद ये गल याद रखनी, मैं ये जनरल रिजल्ट है कि अगर आज तो बाद थोड़े सामने किसी भी शेप का पोजीशन टाइम ग्राफ है और थानू उस पोजीशन टाइम ग्राफ तो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग गिवन टाइम इंटरवल फाइंड आउट करनी है, तुसी की करना इनिशियल टाइम दे कोरस्पोंडिंग ग्राफ दे ऊपर इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल टाइम दे कोरस्पोंडिंग ग्राफ दे ऊपर फाइनल पॉइंट बी लोकेट करके दोनों नु स्ट्रेट लाइन दे नाल जोड़ देना, और उस स्ट्रेट लाइन जिहड़ी असी अपने वालों दोनों पॉइंट्स नु जोड़े है ना स्ट्रेट लाइन, ओदी जो स्लोप होएगी ना वो स्लोप बेसिकली की होएगी उन्हां दो पॉइंट्स दे विच या उन्हां दो टाइम इंटरवल्स दे विच, दो नहीं कहांगे इनिशियल और फाइनल टाइम्स दे विच जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ जाएगी उस स्ट्रेट लाइन दी स्लोप। तो ये बेटा बेसिक रिजल्ट है। अच्छा हुण देखो गल नूं आपां एक दूसरे नाल लिंक करना एक्सटेंड करना कितना सीखना पुत्र, गल बड़ी सिंपल है। हुण ये आपां एक्स टी ग्राफ सी और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए सानू की पता लगा कि गिवन टाइम इंटरवल दे कोरस्पोंडिंग जो दो पॉइंट्स है ग्राफ दे ऊपर उन्हां नू जोड़न वाली स्ट्रेट लाइन दी स्लोप एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है। हुण इसी गल नू मैं एक्सटेंड कर रहा हां बेटा, देखो वो की है कि अगर ये एक्स टी ग्राफ है तां जिहड़ी स्ट्रेट लाइन दी स्लोप है ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਐਕਸ ਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਵੀ ਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪੁੱਤਰ, ਤੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਵੀ ਟੂ ਵੀ ਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, तो इतने बेटा एवरेज वेलोसिटी की जगह की आ जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन, चेक कर लो इतने बन जानी है वी टू एवरेज एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जे एक्स टी ग्राफ है तो उस ग्राफ के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स नू जोड़न वाली स्ट्रेट लाइन की स्लोप उस गिवन टाइम इंटरवल दे लई की होएगी एवरेज वेलोसिटी, ते जे ओ ग्राफ एक्स टी दी जगह वी टी ग्राफ है तां ओही दो पॉइंट्स नू जोड़न वाली स्ट्रेट लाइन दी स्लोप एवरेज एक्सेलरेशन नू रिप्रेजेंट कर देगी। तो सेम मेथड है सेम प्रोसेस है, सिर्फ एक्स टी नू वी टी च कन्वर्ट कीता ते उधरों एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन च कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब अपने काम नू ईजी करना वा। तो आपां जदों कंसेप्ट नू एक्सटेंड करके एक दूजे नाल सिमिट्रिकली देखना ना तो तुसी अपने आप उन्हों इजी फील करना शुरू करना, तो ये अप्रोच होनी चाहिए।
तो इको ही आर्टिकल है, उन्होंने दो अलग अलग वेज दे विच असी याद रख सकते हैं ना, एक्सटी ग्राफ ते वीटी ग्राफ। हाँ जी बोलो। जो बेटा एक्सटी ग्राफ है और जो वीटी ग्राफ है उन्हां दी कंपैरेटिव स्टेट अपा एनालिसिस या स्टडी, जो अपा इको ग्राफ नू ही दो फॉर्म च अलग अलग, तुसी तो दो ही ड्रॉ करोगे क्योंकि मैं तो रब कर लिया सी ना, तो तुसी की नोट कीता कि अगर मेरे सामने एक्सटी ग्राफ है तो मैं उत्थों एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता, तो जे मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फिर मैं उत्थों एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकता। मेथड दोनों ही सेम है। की करना कि इनिशियल टाइम दे कोरस्पोंडिंग पॉइंट मार्क कर लेना ग्राफ पे, फाइनल टाइम दे कोरस्पोंडिंग पॉइंट मार्क कर लेना ग्राफ पे, और दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट जिहड़े मार्क कीते है उन्होंने स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ के उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालनी। उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप एक्सटी ग्राफ के उपर एवरेज वेलोसिटी नू रिप्रेजेंट करेगी, और उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप वीटी ग्राफ के उपर एवरेज एक्सलरेशन नू रिप्रेजेंट करेगी। तो इथे तक बेटा किसी नू कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है? हाँ ठीक है बेटा। अच्छा हुण एक अच्छा वो इदां करो पुत्तो, एक तां इत्थों मैं जल्दी दस देना, दूजा लैक्चर रिकॉर्ड हो रहा उत्थों दोबारा देखनी है डिटेल च, है ना कि हाँ, क्योंकि डिटेल च देखनी, हुण तां 10-15 मिनट हो गए ना, वो सारा रिवाइज तो नहीं होना, मैं जल्दी दस देना एक बारी, बट कोई घबराने वाली नहीं गल, उन लैक्चर नू देख लें रिकॉर्डेड लैक्चर जेड़ा ना अज दा, कि जो कोई भी थोड़े सामने ग्राफ है उस ग्राफ दे ऊपर कोई भी जेड़ा ग्राफ है उदे ऊपर अपन दो पॉइंट्स नू लोकेट कर लेना। हम दो ग्राफ केड़े होने हैं, या एक्सटी ग्राफ होएगा या वीटी ग्राफ। तो जदों भी थानू एक्सटी ग्राफ दिता होएगा और थानू पूछा जाए कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, तुसी की करना जिहड़ा टाइम इंटरवल दे दौरान एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो इनिशियल टाइम ग्राफ दे उपर उहदे कोरस्पोंडिंग ए पॉइंट मार्क कर लेना, फाइनल टाइम दे कोरस्पोंडिंग बी पॉइंट मार्क करके दोनों पॉइंट्स नू स्ट्रेट लाइन दे नाल जोड़ के उस स्ट्रेट लाइन दी जिहड़ी स्लोप है उत्थों थानू पता लग जाएगा कि गिवन टाइम इंटरवल दे विच एवरेज वेलोसिटी किन्नी। तो अगर यही ग्राफ थोड़ा एक्स टी की जगह वी टी होएगा तो सेम प्रोसेस फॉलो करके जो स्लोप आएगी वो स्लोप एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी, तो इन्हें याद कर लेना। हूँ बेटा अगला पॉइंट जो है देखो, बोलो बेटा। हूँ अगला पॉइंट की है बेटा, गल फिर सुनियो, मतलब पैटर्न नो फॉलो करो कि अगर थोड़े सामने आ मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मैं इस ग्राफ का नाम रखता एक्सटी ग्राफ। हूँ इस एक्सटी ग्राफ दी जेड़ी बेटा शेप है वो मैं थोड़ा ऑलरेडी दस चुका भी वो एक्चुअल की होएगी, वो डिपेंड करेगा एक्चुअल मोशन दे, मैं जनरल शेप ड्रॉ कर रहे हैं इस कारण करके। हम जिदा मान लो आप आ शेप इदा दी ड्रॉ कर ली है ना अपने वालों, कोई भी शेप हो सकती है। हुण मेरी गल नूं सुनियो पुत्र, हुण अगर मैनूं कोई कहे कि ये जिहड़ा एक्सटी ग्राफ है इस एक्सटी ग्राफ तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम T1 T2 T3, मतलब ये हुण एवरेज नहीं निकालनी बेटा, जदों भी तुसी एवरेज वेलोसिटी निकालने हैं तो वो एक टाइम इंटरवल दे लई फिक्स है, उहदे च इनिशियल और फाइनल टाइम्स का पता होना जरूरी है। जदों तुसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने हैं फिर गिवन टाइम सिंगल टाइम का पता होना चाहिए। हुण अगर मान लो मैनू एक्सटी ग्राफ गिवन है बेटा,
आराम ना गल सुननी है ना। अगर मैनू एक्स की ग्राफ गिवन है और मैनू कहा जाता कि तुसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दा इन शॉर्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करो कोरस्पोंडिंग टू टाइम टी वन, तो मैं की करना जिहड़ा टी वन टाइम है, तो मान लो आ बेटा टी वन टाइम है ना, ग्राफ तो मैनू आप टाइम एक्सिस तो टाइम पता लग जाना, मैं उस टी वन टाइम के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। हूं बेटा मैं इमेजिन करना कि ये जरा टाइम टी वन के कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ के उपर पॉइंट ए है, मैं इस ए पॉइंट से ना टेंजेंट ड्रॉ करना। ठीक है, टेंजेंट का मतलब मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिड़ी सिर्फ ए पॉइंट पे ही इस ग्राफ को टच करे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं इतने, तो आ मैं ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ करती है ना। अच्छा हूं बेटा फिर मैं टी टू टाइम के कोरस्पोंडिंग, मान लो टी टू टाइम जेड़ा वा वो टाइम है से आ टाइम है बेटा, ए आ टी टू टाइम है, तो टी टू टाइम के कोरस्पोंडिंग मैं बी ग्राफ ग्राफ के ऊपर बी पॉइंट लोकेट करके अगेन मैं बी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी जेडी की बी पॉइंट पे टेंजेंट एक्ट करे, वो मैं ड्रॉ करती है ना। अच्छा हम मान लो मैं इतने पहुंच गया ना तीसरे टाइम पे, हम थर्ड टाइम जरा वा बेटा वो कोरस्पोंडिंग जो मैं इतने आ बन रहा है टेंजेंट है ना, मैं जान के थोड़ा गैप शो कर रहा हूं ताकि थोड़ा क्लियरली नजर आए, मैं पूरा टच नहीं कर रहा ना। तो हम थोड़ा इतने आ तीन लाइन्स बेसिकली तीन टेंजेंट्स नजर आ रहे हैं। हम बेटा जिदा गल सुन लियो ये रिजल्ट नोट कर लेना तुसी कि अगर थोड़े सामने एक्स टी ग्राफ है और तुसी उस एक्स टी ग्राफ तो गिवन टाइम दे कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी दी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है जिन्हों स्पीड भी कह सकते हैं, तो तुसी बेटा की करना जिस टाइम दे कोरस्पोंडिंग तुसी वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना उस टाइम दे कोरस्पोंडिंग तुसी ग्राफ दे ऊपर पॉइंट मार्क करके उस पॉइंट ते टेंजेंट ड्रॉ कर ले, और वो जिहड़ा टेंजेंट है ना उस टेंजेंट दी जो स्लोप है वो उस टाइम ते वेलोसिटी नू रिप्रेजेंट करेगी। हुण थानू इत्थे जो स्लोप है उहदे बारे आइडिया पता वा कि जिन्नी लाइन जिहड़ी है वो ज्यादा वर्टिकल डायरेक्शन वाल होएगी है ना, तो आ जिहड़ी लाइन है पुत्र आ लाइन इहदी स्लोप ज्यादा वा इहदी थोड़ी घट है इहदी होर घट है। हुण तुसी सोच के क्या थोड़े चो आंसर दे सकदा कि ए ते सी तीनों पॉइंट्स चो जिहड़ा ए और सी उहदे ते ध्यान दिओ, तां क्या तुसी दस सकदे हो कि ए और सी च ज्यादा स्लोप कित्थे है? सी, हाँ सी ते नजर आ रही है तुहानू स्लोप। इहदा मतलब बेटा इस ग्राफ च जिहड़ी पार्टिकल दी वेलोसिटी है वो टी टाइम दे कोरस्पोंडिंग जो वेलोसिटी है उहदे मुकाबले टी थ्री वाली वेलोसिटी ज्यादा वा, टी थ्री दी स्लोप ज्यादा है। हुण ये रिजल्ट तुसी क्यों दस सके, क्योंकि उहदे पिछे जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं तुहानू दसदा कि अज तो बाद अगर तुहानू कोई कहे कि किसी भी एक्स टी ग्राफ तो वेलोसिटी निकालो मतलब कोरस्पोंडिंग टू गिवन टाइम, तुसी की करना जिस टाइम ते एक्स टी ग्राफ तो वेलोसिटी निकालनी है उस टाइम दे कोरस्पोंडिंग ग्राफ ते सिंगल पॉइंट मार्क करके उस सिंगल पॉइंट ते टेंजेंट ड्रॉ कर लेना, और उस टेंजेंट दी स्लोप अगर ज्यादा होएगी तो वेलोसिटी ज्यादा वा घट है तो घट होएगी, वो असी एक्सप्रेस कर सकते हैं ना।
एक कंपैरेटिव स्टडीज आएगी, जिदा मैं दस्या ना भी इको ग्राफ के उपर दो अलग अलग टाइम से वेलोसिटी दसनी केड़े ते ज्यादा केड़े ते घट है। हुण इसे गल नूं अगर बेटा असीं एक्सटेंड करिए कि जिस तरह अगर ये एक्स टी ग्राफ है और इस ग्राफ के उपर गिवन टाइम के कोरस्पोंडिंग गिवन पॉइंट से टेंजेंट की स्लोप वेलोसिटी नूं रिप्रेजेंट करती है, तो उदा मतलब अगर ये वीटी ग्राफ है तो फिर स्लोप की दसेगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्स टी ग्राफ जिहड़ा वा उहदे तो स्लोप ने निकलना वा वेलोसिटी, और वीटी ग्राफ के उपर टेंजेंट की स्लोप तो पता लग जानी है एक्सेलरेशन। मतलब कंसैप्ट जिदा पिछले टॉपिक च आपां एक्सटेंड किया सी ना कि एक्स टी ग्राफ जो है उहदी स्लोप दा कंसर्न वेलोसिटी नाल है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप दा कंसर्न एक्सेलरेशन नाल है। तो ये रिजल्ट्स जिहड़े आ तुसीं इन्हां नूं एक्सटेंड कर सकते हो। सो इत्थे तक थानूं कोई डाउट बोलो है? ठीक है बेटा, हुण अगर डाउट नहीं है ना, हुण देखो तो इहनूं असीं कन्फर्म करना बेटा, इस गल नूं कन्फर्म करना। हुण थानूं याद होएगा जिदा अज ही टेस्ट होया वा ना, तो अगर आ थोड़े सामने एक्स टी ग्राफ है क्या बेटा, थोड़े चो मान लो ए पॉइंट ते वेलोसिटी है वी वन, बी ते है वेलोसिटी वी टू वी थ्री, क्या तुसी इना डिफरेंट वेलोसिटीज का ऑर्डर लिख सकते हैं भी ज्यादा कितने है घट कितने है? क्या तुसी ये आंसर कर सकते हैं? एक ग्राफ बेटा गिवन है एक्स टी ग्राफ, तो कोरस्पोंडिंग टू टाइम टी वन ए पॉइंट पे वेलोसिटी है वी वन, टी टू टाइम पे वेलोसिटी है वी टू, टी थ्री टाइम पे वेलोसिटी है वी थ्री, वी वन वी टू वी थ्री तीनों वेलोसिटीज जो है डिफरेंट टाइम्स से इन्हों का आपस की रिलेशन है, केड़ी वेलोसिटी सब तो ज्यादा केड़ी सब तो घट, तो वो ऑर्डर तुसी लिख सकते हैं। तो देखो बेटा जो V3 है, जो V2 है, सब तो ज्यादा V3 है और सब तो घट बोलो बोलो बाकी भी बोलो, सब तो घट बेटा वेलोसिटी तिना चो केड़ी है? वी टू, वी टू। और पता लग गया क्यों? क्योंकि वी टू वाली जेड़ी टेंजेंट है वो बेटा होरिजोंटल लाइन है, होरिजोंटल लाइन दी स्लोप जीरो है। इहदा मतलब भी इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली जदों बॉडी बी पॉइंट तो पास कर रही है तो फॉर एन इंस्टेंट वो रेस्ट पे है, भी उस वक्त तो रेस्ट पे है उस मूवमेंट लिए, क्योंकि वी टू ग्राफ सॉरी जिहड़ा बी पॉइंट है ना ग्राफ के उपर
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਔਰ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਂਸਰ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਔਰ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਏ ਟੂ, ਔਰ ਏ ਵਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸ ਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸ ਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਉਸ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਤੋ ਡੀ ਗ੍ਰਾਫ ਲਈ ਆ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਡੀ ਜਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਟਾਈਮ ਟੀ ਫੋਰ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਡੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤੋ ਅਗਰ ਇਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਐਕਸ ਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ ਕੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਤੋ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੋ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਐਕਸ ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਨਕਲੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਪੁੱਤ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਲੋਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
हुण उत्तर देखो, हुण जदों ये सारे गल्लां साडे दिमाग च है, अगर है, हुण अगर इस ग्राफ नूं ड्रॉ करके मैं पूछा कि इस ग्राफ दे कोरस्पोंडिंग एक तां एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करो और दूजा एक्सेलरेशन टाइम ए टी ग्राफ, मतलब गिवन मेनू वी टी ग्राफ है और इहदे कोरस्पोंडिंग किया जांदा कि तुसी एक्स टी ग्राफ ते एटी ग्राफ ड्रॉ करने। हुण पुत्तर जेड़े स्टूडेंट नूं तां समझ आया, उहनां देखियो जिहड़ा एटी ग्राफ है उह तां इदां आएगा, क्यों? क्योंकि ये ग्राफ दस रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है, तो इस करके ग्राफ। अच्छा, तो दूसरा बेटा जिहड़ा एक्स टी ग्राफ है, तो क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिए है, तो एक्सेलरेटेड मोशन का एक्स टी ग्राफ जिहदे च स्पीड इंक्रीज करती है वो इस तरह का पैराबोलिक शेप होती। तो ये ग्राफ मतलब इस वी टी ग्राफ के कोरस्पोंडिंग ये दो ए टी एंड एक्स टी ग्राफ्स है। हुण आ मैं ग्राफ, यहां ग्राफ कितना ड्रॉ कर पाया हूं क्योंकि मैनू इस ग्राफ के बारे पता वा और एक ग्राफ के बारे मैनू इंफॉर्मेशन जो आज तक मैं पढ़ चुका हूं याद होने करके है, समझ गए? ये याद रखांगा तो मैं इंटरप्रेट कर पाया, अदरवाइज नहीं होना। तो मतलब फिर रिवीजन करनी पड़ेगी इन्होंने बारे। तो इतने तक बेटा किसी को कोई डाउट?